हिंदी फिल्मों में ना सालों से मुंबई लोकल के स्ट्रगल को बहुत ही रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है ना, बातों बातों में, 27 डाउन, साथिया, पेज 3, 1:40 की लास्ट लोकल, आपको याद होगी वो फिल्म। ये सारी फिल्मों में ना लोकल की भीड़ भाड़ के बीच हीरो हीरोइन का मस्त रोमांस फलता फूलता दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिल्मों का ये रोमांस, ये सिम्बोलिज्म मुंबई लोकल शायद मुट्ठी भर लोगों के लिए प्यार करने की जगह हो सकती है, बाकियों के लिए तो ये स्ट्रगल का सिंबोलिज्म है, मानते हो कि नहीं। हर साल रेलवे मुंबई के लिए नई लोकल ट्रेन अनाउंस करती है, कई नए रूट्स में नए ट्रैक्स बिछाती है, यहाँ तक कि मुंबई में अब कई रूट्स पर तो मेट्रो ट्रेन भी चलने लगी हैं। पर मुंबई की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए तो ये भी कम पड़ जाती है। मैक्सिमम सिटी यानी कि ज्यादातर लोगों के लिए ये लोकल मैक्सिमम चैलेंजेस की निशानी है। यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मुंबई लोकल की बढ़ती हुई भीड़ को देख के ना मुंबई हाईकोर्ट ने भी भारी चिंता जाहिर की है। कैसे? Let me tell you. Welcome to the Big Bench Daily. Suburban local में यात्रियों की जानलेवा भीड़ पे सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की। हाईकोर्ट ने रेलवे पर कमेंट करते हुए कहा कि खचाखच भरी हुई लोकल से यात्री नीचे गिरते हैं, भीड़ के कारण यात्री मजबूरन फुटबोर्ड पर खड़े रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों की बिना वजह बलि चढ़ जाती है। अब ऐसे वक्त में आप यात्रियों के ऊपर लापरवाही का ठीकरा कैसे फोड़ सकते हो, बताओ? जनरल डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं होती, तो उस वक्त क्या आप उन यात्रियों को प्रथम श्रेणी या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति देंगे? हाईकोर्ट के इन सवालों पर ना रेलवे ने लोकल की भीड़ से डील करने के उपाय निकाले जाने को लेकर असमर्थता जाहिर की। ऑल्दो हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी सालों पुराने केस को लेकर की थी, 13 साल पहले विरार लोकल स्टेशन में यात्रा कर रहे एक स्टूडेंट अल्पेश की लोकल से गिर के मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद उसके माता पिता ने मुआवजे की मांग की, मतलब रेलवे को अर्जी दी इसके लिए, लेकिन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने उनके मुआवजे की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इसलिए अल्पेश के जो पेरेंट्स थे उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट में उनके काउंसिल बाला साहेब देशमुख ने 20 साल के अल्पेश की मौत लोकल से गिरकर हुई इस बात का दावा किया। उनका कहना है कि अल्पेश के पेरेंट्स रेलवे मुआवजे के हकदार हैं। कोर्ट ने उस पर कहा कि रेलवे ट्रिब्यूनल को मुआवजे के संबंध में सारे डॉक्यूमेंटल एविडेंस पे विचार करना होगा। ऑन द अदर हैंड रेलवे का ये कहना है कि अल्पेश ने फुटबोर्ड पे खड़े रहकर लापरवाही बरती थी, लेकिन काउंसिल बाला साहेब के मुताबिक रेलवे के इस दावे को साबित करने के लिए एक भी सबूत नहीं है। इनफैक्ट रेलवे का तो ये भी कहना है कि अल्पेश लोकल का वैध यात्री नहीं था, मतलब उसके पास कोई लोकल का टिकट ही नहीं था। ऐसे में उसके माता पिता के दावे को खारिज करने का रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला बिल्कुल सही है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अल्पेश के पेरेंट्स की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वैसे आपको ये भी बता देती हूँ कि रेलवेज एक्ट 1989 के सेक्शन 124 के तहत रेल यात्रा के दौरान अगर कोई भी इंजरी या कैजुअलिटी हो जाती है तो इस केस में मुआवजे का प्रावधान है। ऑलराइट, आपने वैसे भी सुना होगा कि जब भी ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसी वक्त इंजर्ड और डेड पैसेंजर्स के लिए मुआवजा अनाउंस किया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन अल्पेश के केस में सबसे बड़ा एंगल ये है कि वो मुंबई लोकल ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था। अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि मुंबई की लगातार बढ़ती हुई आबादी और लोकल ट्रेन की ये भीड़ भाड़ हर दिन न जाने कितने लोगों की जान लेती है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि लोगों की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार की कोशिश है? इस बारे में आप क्या कहोगे हमको कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दो। वेल, इस तरह के और वीडियोज अगर आपको देखने हैं तो आप देखते रहो द बिग बेंच, बैठ के सोच।